हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक रिलेटेड लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं, देखते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 16,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 16,800 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 35,300 का सपोर्ट मिल रहा है और 36,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो आप इसे 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है कोलगेट पैल्मोलिव, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो इसे बाय कर सकते हैं 1,573 पर, स्टॉप लॉस 1,510, पहला टारगेट 1,636 और दूसरा टारगेट 1,698 पर रख सकते हैं। फिर है SBI लाइफ, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है तो इसे बाय कर सकते हैं 1,186 पर, स्टॉप लॉस 1,139, पहला टारगेट 1,233 और दूसरा टारगेट 1,281 पर रख सकते हैं। फिर है धामपुर शुगर मिल्स, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो इसे बाय कर सकते हैं 230 पर, स्टॉप लॉस 220, पहला टारगेट 240 और दूसरा टारगेट 248। फिर है दावत, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो इसे बाय कर सकते हैं 93 पर, स्टॉप लॉस 89, पहला टारगेट 97 और दूसरा टारगेट 101 पर रख सकते हैं। अब बात करें परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स की तो आरती ड्रग्स वेंट अप 4.3%, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, MSTC लिमिटेड वेंट अप 4%, फर्स्ट टारगेट डन। अब देखते हैं स्टॉक्स इन न्यूज। इसमें आज हम बात करेंगे सीएट, इंडसइंड बैंक और विप्रो के बारे में। सीएट की बात करें तो क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट डाउन रहा 61.43%, वहीं रेवेन्यू ऊपर रहा 47.8%, एबिटा डाउन था 0.5%, वहीं मार्जिन एट 5.86% वर्सेस 8.71% ईयर ऑन ईयर। इंडसइंड बैंक की बात करें तो क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट जंप हुआ टू 60.5% ईयर ऑन ईयर टू ₹1,631.1 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट बढ़ा ड्यू टू अ 30% ड्रॉप इन प्रोविजंस एंड अ 16% गेन इन नेट इंटरेस्ट इनकम। GNPA गिरा बाय 4% ईयर ऑन ईयर टू ₹5,932.90 करोड़। विप्रो की बात करें तो क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट गिरा 20.93% पर एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। वहीं कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू बढ़ा 15.51% टू ₹22,001 करोड़। इन डॉलर टर्म्स इट्स रेवेन्यू स्टूड एट $2.7 बिलियन। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और साथ ही हमारे YT शॉर्ट्स चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं स्टॉक रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा अपने फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।